नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येंदु गोंडल, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं कल के लिए मतलब 21 अप्रैल 2020 के लिए मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश करूँगा। तो वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। और मैंने जो लाइव डेमो ऑफ इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी का सॉरी लाइव डेमो ऑफ निफ्टी बैंक निफ्टी दिखाता हूँ और मैंने स्टॉक का भी दिखा सकता हूँ, लेकिन एक्चुअली निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर एक एक टाइम बहुत ज़्यादा स्पीड के ऊपर नज़र नहीं रख पाता हूँ, तो इसीलिए निफ्टी बैंक निफ्टी का बाई सेल लेवल आप लोग को दिखाता हूँ, चार्ट का सेटअप दिखाता हूँ, वो देख के आप लोग डिसीजन ले सकता है ये कितना अच्छी तरह से काम करता है। मेरा बाई लेवल सेल लेवल आप लोग ट्रेनिंग के बारे में सोच सकता है और ट्रेनिंग का मॉड्यूल भी बहुत ही आप लोग को सामने यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा और इसमें आप लोग को इतना कम प्राइस में आप लोग सोच भी नहीं सकता है आप लोग को कितना मिल जाएगा। आप लोगों को उसी का ट्रेनिंग लेने के लिए आप लोग को बहुत सारा जाएगा, मैं आप लोग को 50,000 के ऊपर पे करना पड़ेगा, तो ये ट्रेनिंग आप लोग को ज़रूर ले लेना चाहिए। और इसमें आप लोग को बाई सेल लेवल्स ऑफ इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का वीडियो बनाता हूँ, वो भी आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। वो उसमें आप लोग को फ्री में बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा, वो भी उसका नोटिफिकेशन आप लोग मिल जाएगा आप लोग इसका मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो। इसके बाद मैंने इसके अलावा बहुत सारा चार्ट का सेटअप्स है, स्ट्रैटेजीज है, टेक्निक्स है, जो कि आप लोग को स्टॉक मार्केट में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आप लोग रिसेंटली मैंने गन मूविंग एवरेज, पावर ऑफ गन एंगल्स, ये सब वीडियोस लोड किया हूँ और भी बहुत सारा वीडियोस लोड करते जाऊँगा, तो जो कुछ भी एडुकेशन इंफॉर्मेशन पर्पज है तो आप लोग को स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने का बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और ये जो बाई सेल लेवल कम स्किनर है, आप लोग जो लोग मैंने मेरा पहले तो जो लोग ट्रेनिंग लेंगे उसके बाद ट्रेनिंग के एंड में आप लोग को ये फाइल का जितना सारा दिखाया जाएगा ट्रेनिंग में जितना पोर्शन दिखाया जाएगा उसका फाइल आप लोग को दे दूंगा। ऑप्शन ट्रेन स्ट्रैटेजी कैसे है, ऑप्शन ट्रेन स्ट्रैटेजी का बहुत सारा मटेरियल्स है, कौन सा क्या क्या होने से क्या क्या होता है वो उसमें आप लोग को दिया जाएगा और बाई सेल लेवल्स भी आप लोग को दिया जाएगा। इसमें आप लोग बहुत ही आसानी से प्रॉफिट कमा सकता है और इसमें क्या जो लोग कॉल सर्विस लेंगे इसमें क्या क्या है और कैसे स्क्रीनिंग का ये भी आप लोग को पूरा दिया जाएगा और लाइव मार्केट में टाइम टू टाइम अपडेट किया जाएगा। इसमें आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, आप लोग बहुत सारा ट्रेड ले बहुत सारा सेगमेंट में आप लोग ट्रेड कर सकता है आप लोग का पसंद का इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स। और इसमें क्या क्या है, कैसे स्क्रीनिंग करना है वो भी आप लोग देख लीजिए यूट्यूब वीडियो मतलब व्हाट आर द उसमें उसका भी वीडियो है, व्हाट आर द थिंग्स अवेलेबल। और आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होकर इसका ट्रायल दे सकता है, आप लोग मेरे को कांटेक्ट कर सकता है, आप लोग को लाइव डेमो एक दिन के लिए दिखा दूंगा कौन सा जिस सेगमेंट में आप लोग को काम करना है उसमें आप लोग को दिखा दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन हो सकता है, सभी आप लोग को यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये फाइल डाउनलोड करने का लिंक भी आप लोग को यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो लोग आस्था ट्रेड, एलिस ब्लू, एंजल ब्रोकिंग, आप स्टॉक्स में ज्वाइन होना चाहता है, मेरा डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहता है, मेरा यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन का लिंक है, उसमें आप लोग बहुत ही आसानी से ज्वाइन हो सकता है। तो देखिए मैंने निफ्टी का डेली चार्ट ओपन किया हूँ, ठीक है। इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस देखिए, इसमें आज एक बुलिश कैंडल बना है, उसका ऊपर ओपन हुआ था लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया है और बीच में थोड़ा सा अप ट्रेंड दिखा था लेकिन फिर से ये नीचे आके क्लोजिंग दिया है, तो इसका एक बुलिश कैंडल सॉरी बियरिश कैंडल बना है। अगला दिन का से इसका हाई तो बड़ा है, अगले दिन से इसका हाई बड़ा है लेकिन इसका बुलिश कैंडल बना है। और इसमें आप लोग को जो बोला था कि इसमें 2008 से ये 5 वेव में ये ऊपर गया था, उसके बाद ये इसका करेक्शन वेव ये 12,430 7,511 तक आ गया है, इसका वेव ए है, ये करेक्शन वेव है, उसके बाद ये वेव बी चल रहा है, ये भी एक करेक्शन वेव है, ये जितना दूर तक जाएगा कितना दूर तक जा सकता है 2,550 2,600 600 के आसपास ये जा सकता है, उधर से मैक्स टू मैक्स
तो उसके ऊपर चला जाएगा तो ये मतलब इसका सीक्वेंस ब्रेक हो जाएगा, ये बुलिश हो जाएगा। लेकिन उधर से ये जितना सा गिरा है इतना 12,400-1,500 जितना तक ऊपर जाएगा उधर से ये उतना तक गिर सकता है। तो इसमें फंडामेंटल रीजंस भी बहुत ही है, वो मैंने वेरियस वीडियोस में मैंने डिस्कस किया है। कोविड वायरस का इम्पैक्ट क्या हो सकता है लॉन्ग टर्म में, इसका इकोनॉमी का ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, अभी क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि ये सब मैंने फंडामेंटल रीजंस मैंने डिस्कस किया है। मेरा लाइव स्ट्रीमिंग भी, आप वीडियोस भी आप लोग देख सकता है, इस पिछले वाला वीडियोस भी देख सकता है। सब समय बोलूँगा तो ये वीडियोस लंबा हो जाएगा। और ये इधर देखिए, इधर जो रिसेंट जो शॉर्ट साइकिल में, देखिए लॉन्ग साइकिल में तो ऐसा वेव है, शॉर्ट साइकिल में भी ये कुछ शॉर्ट टर्म में भी कुछ साइकिल बनाता है। ये देखिए इधर जो ये ऊपर गया था उधर, इसके बाद ये देखिए ये वेव 1, ठीक है, इसके बाद वेव 2, इसके बाद वेव 3, इसके बाद वेव 4, इसके बाद ये वेव 4-5 बना रहा है, ठीक है। तो वेव 5 इसका ऊपर जाएगा, ये फिर से इसका करेक्शन वेव आएगा, एक करेक्शन वेव आएगा, आने का प्रोबेबिलिटी है, मतलब ऐसा नहीं है कि जरूर आएगा लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए इसके बाद मैंने डिस्कस करूँगा कि डेली का जो मतलब डेली का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसका आप लोग को दिखा दूंगा। तो देखिए इसमें 9,300, ये तो क्लोजिंग दिया है 9,261 में इसका, 9,261 में इसका, 9,322 में इसका रेजिस्टेंस है, इसके बाद इसका रेजिस्टेंस है 9,468 में इसका रेजिस्टेंस बनेगा, ठीक है। 9,468 के बाद ये इधर जो एंगल गया है, देखिए इस एंगल का ऊपर जब गया है, इस एंगल से इस एंगल तक ये जो लाइन दिख रहा है आप लोग, इस एंगल से इस एंगल तक ये इसका इधर रेजिस्टेंस लेने का प्रोबेबिलिटी, इसका रेजिस्टेंस स्ट्रांग बनेगा 9,534 में, ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस फेस करेगा। इसका नेक्स्ट लेवल आएगा, नेक्स्ट रेजिस्टेंस स्ट्रांग रेजिस्टेंस आएगा, ये कितना हो रहा है 9,000, एक मिनट मैंने इसको थोड़ा सा, हाँ इधर जो रेजिस्टेंस है ये बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस होगा, 9,800 से मतलब 9,900 से 9,950 इसका बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस होगा। उसके बाद 10,000 के आसपास इसका स्ट्रांग रेजिस्टेंस फेस करेगा, उसके बाद ये 10,550 तक ये इसका जाने का पोटेंशियल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जाएगा। और नीचे का इसका जो मतलब पोटेंशियल है, लेकिन जाने का चांस ही जाने का चांस को भी कम है, 9,734 से 9,734, 9,900 से ही इसका रिट्रेस होना चाहिए, लेकिन 10,550 तक इसका जाने का चांस है। एनीवे इसका 9,090 में इसका सपोर्ट फर्स्ट सपोर्ट आएगा, उसके बाद 8,956, उसके बाद 8,588 क्या है इतना, 8,858, ठीक है, इसके बाद 8,724, 8,626 ये रेजिस्टेंस आप लोग को, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस इसमें कैसे मिलता है, इसका चार्ट का सेटअप भी आप लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम में आएंगे तो आप लोग को दिखा दूंगा। इसका देखिए, इसका जो ये चैनल आप लोग देख रहा है, ये लाल वाला लाइन, ये ग्रीन वाला लाइन और बीच में ये लाइन, ये इसका ट्रेंड थोड़ा सा अप में दिखा रहा है, आप लोग इतना दिन से ये डाउन दिखा रहा था लेकिन ये आप दिखा रहा है। इसमें क्या क्या इंडिकेटर यूज़ किया है आप लोग देखने से पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये मेरा माई स्ट्रेटेजी बना है, माई स्ट्रेटेजी के अंदर क्या क्या इंडिकेटर है आप लोग को दिखा दूंगा। और इसमें और भी नीचे देखूंगा, और इसका फिबोनाची लेवल्स भी थोड़ा सा, ग्राउंड लेवल्स को तो आप लोग को दिखा दिया, फिबोनाची का लेवल्स जो है इसमें 8,189 का इसका सपोर्ट बोर्ड भी कवर होगा, और 9,520 और इसके बाद 10,100 का लेवल है, इसके बाद इसका जो लेवल बनेगा 10,819, ठीक है, उसका इसका ऊपर जाने का चांस बहुत ही कम है। बट और नीचे जो रेजिस्टेंस है 8,113, 7,700, 7,060 और इसके बाद 5,722, उसके बाद 5,200, 5,024 तक ये नीचे आ सकता है। और ये जो अभी आप ट्रेंड दिखा रहा है इसका टेक्निकल रीजन भी है, क्योंकि ये आप लोग को बारे बार बार ही बोलता हूँ कि ये टेक्निकल रीजन है, क्या वो कितना और कैसे वेब में इसका ऊपर गया है,
और इसके बाद कैसे इसका करेक्शन हुआ और फंडामेंटल रीजन्स भी है। अभी थोड़ा सा सोच लीजिए, रिजर्व बैंक इंटरेस्ट रेट कम डिक्रीज कर रहा है, कम कर रहा है। इसके बाद थोड़ा सा लॉकडाउन में थोड़ा सा सेक्टर, थोड़ा सा स्मॉल सेक्टर में थोड़ा सा ओपन हो रहा है। कोविड वायरस में भी थोड़ा सा अभी भी कितना अटैक हुआ इस कोविड वायरस का जो स्टैटिस्टिक्स है थोड़ा सा खराब ही है, पर्टिकुलरली इंडिया में, ओवरऑल वर्ल्ड में भी खराब ही है। लेकिन इसमें कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी बात चल रहा है क्योंकि इसमें थोड़ा सा डेवलपमेंट भी हो रहा है, कुछ मतलब मेडिसिन वैक्सीन रेमेडी कुछ डेवलपमेंट भी हो रहा है। और ये जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमी के इतना दिन शट डाउन हुआ है, इसमें रॉ मटेरियल परचेस करने का या जो प्रोडक्शन चालू होगा और आदमी लोग को हाथ में पैसा आएगा, इतना दिन से लॉकडाउन हो रहा है उसके बाद ये आदमी लोग परचेस कर सकता है। तो ये सब बहुत सारा फंडामेंटल रीजन्स है जो आप लोग को ये नीचे बाद में जाएगा, इसीलिए इसका फंडामेंटल रीजन मैंने बहुत सारा डिस्कस किया है, आप लोग भी बहुत सारा लोग बनाता है वो भी आप लोग देख सकता है। तो इसका फंडामेंटल रीजन्स भी आप लोग को पता चल जाएगा और टेक्निकल रीजन्स आप मैंने इधर टेक्निकल भी आप लोग को दिखाता हूँ कि बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ा सा डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, इसका डायरेक्शन थोड़ा सा डाउन ही दिखा रहा है। तो मैंने मेनली टेक्निकल रीजन्स, अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट टेक्निकल साइड में आता है। और जो भी हो रहा है ये करेक्शन कुछ कोविड वायरस या दूसरा कुछ इकोनॉमिकल रिसेशन के लिए आया नहीं है, इसमें टेक्निकल रिसेशन है। मैंने पहले भी मेरा पहले वाला वीडियोस देखी है और मेरा 27 मार्च का, मैंने 27 मार्च तो देखेंगे जरूर, 27 मार्च का निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस। और आप लोग मेरा वीडियोस रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते रहेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा मैं रेगुलर बेसिस पे ये टेक्निकल एनालिसिस आप लोग को सब डिस्कस करता हूँ, तो आप लोग को पता चल जाएगा इसका टेक्निकल रीजन्स भी है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोविड वायरस या दूसरा कुछ इकोनॉमिकल रिसेशन नहीं आता भी तब भी इसका मतलब आता था। करेक्शन आता था इसका मतलब गन टाइम्स प्राइस का आप लोग को डेट भी इंपॉर्टेंट डेट भी कल का मेरा लाइव स्ट्रीम वाला वीडियोस देखिए और पहले वाला वीडियोस भी देखिए, इंपॉर्टेंट डेट भी कहा गया हो सकता है वो भी आप लोग को दिखा दिया, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग को अप ट्रेंड दिखना है, अप ट्रेंड में दिखा रहा है और इसका जो सपोर्ट रेजिस्टेंस मान के चलना पड़ेगा। तो देखिए इसमें रेजिस्टेंस इसका जो 5,522 में तो क्लोजिंग दिया है, इसमें 20,024 में इसका सपोर्ट बनेगा, उसके बाद 19,712, 19,207, 18,895, 18,391, 18,708 ऊपर में, 21,126 में रेजिस्टेंस है, और इसके बाद 21,580 पकड़िए, 580 के ऊपर इसका 595-580 के अंदर एक रेजिस्टेंस है, उसमें इसके बाद ये इसका जो 22,377 तक जा सकता है। ये देखिए ये इस एंगल को ये ब्रेक कर चुका है, ठीक है। इसका जो ये एंगल में था कहाँ पर है, इसका चार्ट का थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। इसका जो एंगल दिख रहा है आप लोग को, इसका जो एंगल चल रहा था गन एंगल का, तो इसका जो एंगल है ये थोड़ा सा ब्रेक करने का कोशिश किया, ब्रेक किया था लेकिन इससे नीचे आ गया। तो इसका जो इसका इधर तक इसका सपोर्ट है 23,557 तक, ये इसका रेजिस्टेंस मिल सकता है। इस ये फिर से ये कन्विंसिंगली ब्रेक करेगा, ब्रेक किया था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया गया, इसको ये कन्विंसिंगली ब्रेक करने पड़ेगा, कर पाएगा इसका इसका जो क्लोजिंग हुआ है नेक्स्ट कैंडल, मतलब ये कितना तक गया था 21,122, इसका ऊपर कुछ ओपन होगा तो इसका ऊपर कुछ ओपन होगा तो ये 23,000 तक, इसका 23,610 तक ये इतना तक आ सकता है, 23,610, उसके बाद 24,306,
मतलब ओपनिंग इसका 21,122 का ऊपर कुछ ओपनिंग मिल जाएगा तो बैंक निफ्टी उतना तक ऊपर जा सकता है और इतना ऊपर तक जा सकता है। और इसका एंगल में देखते हैं दोस्तों, मेरा हर एक बात आप लोग ठीक से नोटिस कीजिए, मैंने कब ओपनिंग बोल रहा हूँ, कब क्लोजिंग बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसमें देखिए, और इसका नीचे मतलब ये जो कैंडल बना है 18,703 के नीचे कुछ क्लोजिंग देगा या क्लोजिंग का नीचे कुछ ओपनिंग होगा तो इसका बहुत ही नीचे गिरने का चांस, फिर से 16,000 के आसपास आने का चांस इसका बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्ट्रांग है, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसके बाद इसका प्रीवियस लेवल्स भी एक बार देख लेते हैं। वो सभी मैंने आप लोग को बाय सेल लेवल्स में कैलकुलेट चार्ट में जो दिखेगा उसमें बाय सेल लेवल्स और भी अच्छे तरीके से आप लोग को दिखेगा। तभी इधर से भी एक बार चार्ट को एनालिसिस करने का, चार्ट भी सामने रहना जरूरी है, चार्ट का सामने ऐसे चार्ट में तो चार्ट बिना चार्ट में तो कोई काम नहीं कर सकता। तो 22,363 में इसका रेजिस्टेंस है, उसके बाद 24,200 या कितना है, यह 24,393, उसके बाद 26,000 के आसपास इसका रेजिस्टेंस होने का सपोर्ट है। 19,616 में इसका सपोर्ट है एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 19,616 का सपोर्ट वो ब्रेक करेगा तो फिर से ये 16,118 के आसपास आने का इसका चांस बहुत ज़्यादा है। तो ये हो गया चार्ट का मोटा मोटी हो गया है। तो इसमें बाद मैंने इसका अच्छा और भी एक फ्यूचर्स का चार्ट भी एक बार देख लेते हैं। इसमें दूसरा सेटअप से मैंने इसको जांच करूंगा। तो इसमें देखिए निफ्टी का फ्यूचर में ये थोड़ा सा अप ट्रेंड दिखा रहा है, अप ट्रेंड दिखा रहा है। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट लेवल 9,003, ये तो आज जो हाई गया था, कितना हाई गया था इसका 9,384, 9,384 का लेवल ये ब्रेक करेगा तो इसका इस लेवल पे मतलब 9,465 का लेवल पे आ सकता है। उसके बाद मैंने चार्ट सेटअप आप लोग को दे दिया है, आप लोग को भी पता चल जाएगा 9,593, इसके बाद 9,700, इसके बाद 9,008, 9,876 ऐसे करके ऊपर जा सकता है। और नीचे इसका जो है ये है, ये जो सबसे लंबा प्रोफाइल है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंट्रोल। तो इसका नीचे जो इसका लेवल है ये 8,900 का नीचे, ये इसका सॉरी 8,826 का छब्बीस का नीचे, इसका नीचे आने का पॉइंट है 8,707, इसके फिर से पॉइंट ऑफ कंट्रोल बनेगा 8,707 में, इसका 8,700 का आसपास इसका सपोर्ट बनेगा। मैंने फ्यूचर का बात कर रहा हूँ, आप लोग भी देख सकते हैं ये फ्यूचर एनालिसिस हो रहा है। तो इधर 8,500 में इसका होगा, उसके बाद 8,400, उसके बाद 8,300, उसके बाद 8,100, उसके बाद 8,000, इसके बाद 7,992, ये सब लेवल पे यही आ सकता है, ठीक है। तो देखना ये था कि अभी अप ट्रेंड है, अभी अप ट्रेंड का जाने का प्रोबेबिलिटी है और ये नीचे जाने का जो जाने के लिए इसका नीचे ट्रेंड लेने जाने के लिए ये 9,000 का नीचे इसका क्लोजिंग देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। 8,993 का नीचे क्लोजिंग देगा तो ये इसका थोड़ा सा फिर से नीचे रिप्लेस होगा। एनीवे इसके बाद बैंक निफ्टी का देखता है, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का भी एक है, ये अप ट्रेंड दिखा रहा है और इधर ये ऊपर जाएगा तो इसका 21,376 के ऊपर जाएगा तो इसका थोड़ा सा ऊपर जाने का प्रॉबिलिटी है, 22,525 का इसका जाने का प्रॉबिलिटी है। इधर थोड़ा सा मतलब 19,527 के नीचे इसका नीचे जाने का प्रॉबिलिटी बनेगा, ठीक है। 19,527 के नीचे इसका आएगा तो इसका नीचे जाने का प्रॉबिलिटी बनेगा, कुछ रिप्लेसमेंट होकर नीचे आएगा। हथियार का लेवल है, इधर से आप लोग बाई साइड से देख सकते हैं, इधर से कुछ कुछ नीचे आने का प्रॉबिलिटी है। फिलहाल अभी तक आप मूवमेंट दिखा रहा है
और ऑप्शन चेन देख लेते हैं। मैंने बाई सेल लेवल्स और गन 360 डिग्री एनालिसिस दिखा के भी आप लोग को एनालिसिस करने का कोशिश करूंगा कि इसका ट्रेंड क्या हो सकता है, या मूवमेंट क्या हो सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी का चाल क्या हो सकता है, मतलब मूवमेंट क्या हो सकता है। हम लोग देखिए, हम लोग एक असेसमेंट कर सकता है, हाई प्रोबेबिलिटी हम लोग गेस कर सकता है। तो एनीवे इसमें 1. इसका जो पीसीआर रेशियो है 1.13 दिखा रहा था, ठीक है, मैंने देख लिया, कैलकुलेट कर लिया, आप लोग कैलकुलेट सोच सकता है। इसमें 9500 में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में, तो इसमें शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, ठीक है, इसमें शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, और 9000 में इसका सपोर्ट है, इसमें भी शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है हुआ है, लेकिन इसमें पता चलता है कि इसमें बुल्स और बियर्स का फाइट चलेगा, मतलब साइडवेज मूवमेंट, कभी बुल्स ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, लेकिन अप मूवमेंट दिखाएगा, अब थोड़ा सा अप साइड में दिखाएगा, क्योंकि इसका रीजन है, देखिए इसमें जो इसमें कॉल साइड में जो जितना शॉर्टिंग हो रहा है, इसका चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, और इधर जो चेंज इन ओपन पुट साइड का शॉर्टिंग होने का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो जिधर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होता है मार्केट नॉर्मली उधर ही ड्राइव होता है, ठीक है। तो इसमें पुट शॉर्टिंग होने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा, तो इसलिए स्लाइडली अप ट्रेंड ही, मतलब अप ट्रेंड का साइड में थोड़ा सा इंक्लाइंड है मार्केट, ओके। तो ऐसा भी हो सकता है आप मूवमेंट ऊपर, जैसे आज हुआ है, ऑलमोस्ट हर रोज ही हो रहा है कि अप साइड में ओपन हो रहा है, उसके बाद डाउन चला आता है, अप ट्रेंड में सस्टेन नहीं कर पाता है। तो जो लोग मतलब डिलीवरी बेसिस पे काम करेगा, तो वो लोग एक्सपायरी तक या 3-4 दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के, या और भी बहुत सारा चीज़ है उसको देख के डिलीवरी बेसिस कर सकता है, और मॉर्निंग में प्रॉफिट बुक कर सकता है 5-10 मिनट के अंदर या 15 मिनट के अंदर। एनीवे तो इसमें तो बोल दिया, और इसमें आईवी का जो है, आईवी का जो पोजीशन है ये थोड़ा सा पहले से थोड़ा सा कम हुआ है आईवी, और इधर सॉरी आईवी हाँ पहले से कम ही हुआ था, 48 था लगता है, 41-48, तो थोड़ा सा आईवी कम हुआ है, ये 51 हो गया, इधर पुट साइड का आईवी थोड़ा सा बढ़ गया है, और इधर पीसीआर रेशियो भी बढ़ा है, तो इसमें ये भी इंडिकेट कर रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, थोड़ा सा अप मूवमेंट दिखाएगा। और बैंक निफ्टी का देख लेता है, बैंक निफ्टी का पोजीशन क्या है, बैंक निफ्टी का पीसीआर रेशियो 0.93 है, इसका 22,000 में इसका सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में, इधर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, इधर रेजिस्टेंस है 22,000 में, ठीक है, और इधर पुट साइड में 19,000 में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में, इधर भी शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, दोनों साइड में शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, लेकिन इधर इधर 124 वॉल्यूम है, इधर 124 चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कंपेयर टू चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 63,900, तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे दिखा सकता है, बैंक निफ्टी प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा मतलब नीचे डाउन ट्रेंड मूवमेंट दिखा सकता है, तो देखना पड़ेगा फिर से। और मैंने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किया हूँ, प्रोबेबिलिटी का आप लोग देख सकता है, ये बैंक निफ्टी का प्रोबेबिलिटी है, ये ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है 9500, मतलब रेजिस्टेंस के आसपास जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, 9000 के आसपास कम है, और ये भी 22,000 के आसपास ऊपर 22,000 के जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है, 19,000 के आसपास प्रोबेबिलिटी कम दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अभी जो 500 में जो 20,000 आज जो मूवमेंट दिया है, तो आप लोग को दिखा देता हूँ आज कितना मूवमेंट दिया है, आज का मूवमेंट दिया है 21,122 से 20,444, तो मैंने इसका थोड़ा सा एनालिसिस कर लेता है, इसको 20,000 कर देता हूँ, तब क्या प्रॉबिलिटी दिखता है वो देखना पड़ेगा एक बार। हाँ
में ऐसे करके प्रॉबिटी को चेंज करके मान लो सपोर्ट चेंज कर, देखिए 20,000 जब 20,000 कर देता हूँ, 20,522 इसका था तो 20,000 कर दिया। देखिए 20,000 के आने का प्रॉबिटी कितना बढ़ गया है, तो 19,500 भी कर दूंगा तो इसका प्रॉबिटी फिर से दिखा रहा है आप में, लेकिन ऑप्शन चेन में जो दिखा रहा है 19,000 का आसपास, तो इधर थोड़ा सा कम हो जा रहा है, 19,000 के आसपास कम हो जा रहा है, तो इसीलिए इसका मानना पड़ेगा इधर एक्सपायरी तक इसका जो मानना पड़ेगा, और नहीं तो आप लोग को बहुत ही शॉर्ट टाइम स्पैन में एक दिन के लिए या दो तीन सेशन में आप लोग को ये प्रॉबिटी को मानना पड़ेगा। अच्छा, और जो दिखाने का बात है तो ये है, देखिए 360 डिग्री एनालिसिस। देखिए आज 9390 इसका हाई मारा था, तो ठीक देखिए एग्जैक्टली 9388 था, ये 9390 हाई मारा है। ठीक है, इसमें पता चलता है कि ये इस पाथ में ये चल रहा है। ठीक है, इस पाथ में ये चल रहा है, ये अप ट्रेंड में जाएगा, ये 9764 इसका साइकिल कंप्लीट होने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा बनता है। उसके बाद फिर से कैलकुलेट करना, इसके बाद ये फिर से इसका जो 9764 का बाद में ये इसका जो ऊपर जाने का लेवल है 9944, 10,000 ऐसे करके ऊपर जाने का है, ये 10,565 इतना दूर तक इसका आने का प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ये एंगल में बनेगा। और आप लोग गन एंगल का मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम लेंगे तो गन एंगल कैसे काम करता है, गन साइकिल प्राइस एंड टाइम साइकिल कैसे काम कर सकता है, आप लोग को बहुत ही अच्छी तरह से समझा दूंगा। तो इसमें देखिए ये ऑलरेडी साइकिल कंप्लीट कर चुका है, 21,100 का ऊपर व 122 शायद हाई गया था, 20,950 इसका हाई था, ये इसके बाद इसका 22,829, इसके बाद इसका फास्ट रेजिस्टेंस बनेगा 24,459, उसके बाद 27,721 तक ये आने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बनता है। ठीक है, तो इस पथ में इसका साइकिल गन एंगल का, गन एंगल में बहुत ही गन और फिबोनाची में बहुत ही सब पर्टिकुलरली गन एंगल में तो बहुत ही मतलब साइकिल आप लोग समझ जाएंगे तो मार्केट का राज बहुत ही आप लोग को पकड़ने के लिए बहुत ही सुविधा हो जाएगा। तो इसमें और भी मैंने 360 एनालिसिस करूँगा, वो है डेली डेली डाटा का बेसिस पे आप लोग को दिखाऊंगा। ऐसे जो अभी मैंने लेवल आप लोग नोट कर सकता है, लेकिन अभी कुछ बाई सेल लेवल नहीं दिखाता हूँ, मैंने एनालिसिस करने के लिए दिखाता हूँ। देखिए 9345 इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनता है, और 9261 में इसका सपोर्ट है, तो इधर और 9261 के नीचे तो ये ऑलरेडी है, तो थोड़ा सा नीचे जाने का 9155 तक इसका नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा लगता है, लेकिन ये गैप अप ओपन होकर 9345 का ऊपर जाने का भी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा, रैदर ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी इसका ज़्यादा बनता है 9345। इसके बाद ये 9534 और 9595 का रेंज में, 9500 से 9600 तक जो रेंज है नेक्स्ट लेवल, उसका आने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बनता है। उसके बाद 9700, उसके बाद 9900, उसके बाद 10,000 का लेवल पे जाएगा, तो उसका ऐसा प्रॉबिटी इसमें फर्स्ट साइकिल में ऐसा चलेगा, उसके बाद 10,268 में ऐसा चलेगा, 10,268 आ सकता है नीचे वाला लेवल आ सकता है, इसका 8,333 का लेवल आएगा, तो इसका नीचे वाला लेवल सेकंड साइकिल फर्स्ट साइकिल चालू हो जाएगा, उसके बाद 11,000 के ऊपर जाएगा तो ये नेक्स्ट लेवल पर जाएगा, लेकिन ऐसा जाएगा नहीं, जाएगा नहीं ऐसा मैंने 99% पकड़ सकता है नहीं जाएगा, तो 7394 के नीचे इसका आएगा तो इसका 6482 तक ये आ सकता है। इसके बाद इसका और भी बाद में लेवल दिखाऊंगा, और भी जो दिखाने का है थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का ट्रेंड आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। आप लोग को जो लोग गान को अच्छी तरह से नहीं समझा समझता है तो आप लोग गान को ठीक से समझ लीजिए, आप लोग कुछ ट्रेनिंग मेरे पास ट्रेनिंग ले सकता है। ये देखिए आप लोग को जो फ्री में मिलेगा ये ऐसा लेवल मिलेगा, आज आप लोग 9261 इसका मतलब आप लोग लेवल इसका नोट कर सकता है, इधर जो क्लोजिंग प्राइस है आप लोग वेबसाइट में जो प्री में वेबसाइट मिलता है इसमें बटा देंगे देंगे तो आप लोग को यही एग्जैक्टली यही लेवल मिलेगा। ठीक है, ये भी मेरा कैलकुलेशन करके रखा हूँ, इसमें कैमरे का भी कैलकुलेशन है, तो देखिए मेरा जो लॉन्ग टर्म में जो दिखाता है इसका टू रेंज फिबोनाची लेवल्स बेस्ड ऑन टू रेंज,
हाँ, एक दिन का टू रेंज में हिसाब से कैसे बांधता है, इसमें देखता है 9298 के ऊपर जाएगा तो ये थोड़ा सा अप जाएगा, अप मूवमेंट मरेगा, 9322, 9341, 9359, 9386 ऐसा लेवल बनेगा। और ठीक, हाँ ठीक है, और इसमें 9223 के नीचे आएगा तो इसका नीचे का लेवल ऐसे लेवल आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसे 9223 के आप बस एक लेवल आ सकता है, तो ऐसा नहीं है कि सीरीज का पूरा लेवल्स आएगा और इसका ट्रेंड नीचे चला गया, ऐसा पकड़ने का कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, तो आप लोग को फिर से अपडेट करके देखना पड़ेगा, लेकिन ऐसा लेवल आप लोग को नहीं आएगा तो मेरे को ज़रूर पता करेगा, और आप लोग रोज़ देख सकता है कैसे लेवल काम करता है, मैंने लाइव भी दिखाता हूँ। ऐसा नहीं है कि बाद में लेवल दिखाया और आप लोग को बोलता हूँ कि आप लोग लेवल नहीं आएगा, तो ऐसा ऐसा नहीं है, आप लोग खुद देख सकता है, मैंने रोज़ आप लोग को सामने ही लेवल दिखाता हूँ। और देखिए 9385 के ऊपर बहुत ही अच्छा मूवमेंट मिल सकता है, 9423 तक जा सकता है, 9461, 9516 तक जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, 9516 से 9585 तक जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही अच्छा है। इसके बाद ऑल्ट मार्केट के ऊपर भी आप लोग को थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ेगा, तो उसके बाद आप लोग देख सकना समझ जाएंगे कि इसमें कौन सा दिन में कौन सा मूवमेंट आ सकता है। अभी यूएस गवर्नमेंट भी थोड़ा सा स्टिमुलस दिया है मार्केट में, 2 बिलियन इसमें दिया है, और ट्रेजरी यील्ड, यूएस का ट्रेजरी यील्ड भी कम गया है, तो इसीलिए कॉरपोरेट हाउस के जब हाथ में जब रुपये आता है उसको थोड़ा सा खर्च करना पड़ ऊपर खर्च कर सकता है, और इधर बॉन्ड यील्ड जब मार्केट में रुपये आता है तो बॉन्ड आदमी लोग पहले ट्रेजरी बॉन्ड जो जो कि सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट होता है उसमें इन्वेस्ट होता है, जब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है उसका यील्ड कम जाता है। तो ये सब फंडामेंटल रीजन्स के बारे में से भी आप लोग नज़र रख सकता है, लेकिन इसी का कारण अभी मार्केट का ऊपर दिख रहा है, इसका लेवल आप लोग दोस्त लोग देख सकते हैं, तो इसी का रीजन से मार्केट बढ़ रहा है, लेकिन इसका फिर से जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, इसका लॉन्ग टर्म जो इकोनॉमी फंडामेंटल भी बोलिए और टेक्निकल एस्पेक्ट भी बोलिए, तो पकड़ से आप लोग को नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी है, नीचे आएगा ऐसा ही है। इसमें 7 डेज का हिसाब से आप लोग देख सकते हैं बाय सेल लेवल, और इसमें 15 डेज का हिसाब से बाय सेल लेवल्स देख सकता है, नोट कर सकता है, इसमें पता चलता है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या हो सकता है, कौन सा लेवल पे आने के बाद कौन सा लेवल आ सकता है। 30 डेज का हिसाब से भी आप लोग ये निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स आप लोग नोट, बाय लेवल एंड सेल लेवल क्या क्या हो सकता है आप लोग देख सकता है, इसमें आप लोग को एक आइडिया मिल जाएगा। ये 1 डेज का हिसाब से ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरडे जो लोग ट्रेड कर रहा है, ये लेवल आप लोग नोट कर सकता है, इसके ऊपर आप लोग काम भी कर सकता है, आप लोग पॉज करके बाद में भी देख सकता है। और जो चीज़ आप लोग को वो दिखाने का था, मेरा वीडियो बहुत ही लंबा हो जा रहा है, ठीक है क्या करेंगे, आप लोग को थोड़ा सा दिखाता हूँ, मेरा भी अच्छा लगता है। तो इसमें देखिए, इसमें इंडिया भी सच 40 कल 42 हो गया था, लेकिन अभी आज फिर ये बुरा खबर है तो 43 हो गया है, 43 के ऊपर, तो इसमें जो मंथली रेंज बनता है निफ्टी का मूवमेंट 1400 मंथली रेंज बनता है, ये बैंक निफ्टी का 3600 बनता है, इसमें 9964, 9628 ऐसे करके ये बॉटम आउट होगा, तो फिलहाल जो इसका लेवल है 9420, 9628, 9964 में इसका अप मूवमेंट होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो इसमें 9.5 देखिए मिडिल में कुछ लेवल बनेगा, इसमें भी 9.524 में आने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बनता है, और ऊपर जाएगा तो ये 9.084 तो ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो अभी इसमें अभी ख़त्म कर रहा हूँ वीडियो, बाद में आप लोग को फर्स्ट वीक से मिलूँगा।